काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद निगम का दफ्तर खुलते ही आयुक्त ने किया निरीक्षण। रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाए 6 कर्मचारियों का वेतन काटने का दिया आदेश। अपनी मांगों को लेकर बैठे हड़ताल के बाद नगर निगम कार्यालय दफ्तर खुलते ही सोमवार को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दफ्तरों का निरीक्षण किया। कार्यालय के कामकाज को देख निगम की योजनाओं से संबंधित फाइलों एवं हाजिरी रजिस्टर को खंगाला। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने कार्यालय में 2 घंटे तक फाइलों एवं हाजिरी रजिस्टरों की जांच के साथ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि निगम आयुक्त के आने और दफ्तरों में निरीक्षण की सूचना मिलते ही सभी निगम कर्मी अपडेट हो गए थे। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कक्ष में कुछ लोग तैनात दिखे। इसके साथ ही आयुक्त सर्वे के द्वारा जब हाजिरी रजिस्टरों की जांच की, कुछ कर्मचारियों द्वारा हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। आयुक्त ने हाजिरी रजिस्टर की जांच करते 6 कर्मचारियों का रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाए होने के कारण इनका वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके साथ ही निगम कर्मी भुवनेश्वर सोनी द्वारा कई महीनों से बिना सूचना दिए कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर बर्खास्त करने के लिए निर्देश दिए। वहीं सचिव शरद रत्नाकर 1 माह का वेतन और भीम निषाद, भगत सिंह यादव, ओमकार ताम्रकर, तीर्थ धनकार, भृत्य विशाल सिंह द्वारा समय सीमा पर रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाने पर 1 दिन का वेतन काटने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के सभी विभागों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सप्ताह में 2 दिन कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अपने विभाग में हाजिर रजिस्टर रखेंगे। आयुक्त ने मुख्य कार्यालय के समस्त विभागों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिए गए दायित्व के निर्वहन की जानकारी ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।